एटा में तांडव मचाने वाला फर्जी दरोगा गिरफ्तार। फर्जी दरोगा ने पुलिस की कराई फजीहत। उत्तर प्रदेश के एटा पुलिस ने एक फर्जी दरोगा को गिरफ्तार कर एक चौंकाने वाला खुलासा किया है। पिछले रविवार को एटा में सड़क पर बाइक के कागज चेक करने के नाम पर बाइक सवार को बेल्ट से पीटने और तांडव मचाने वाला दरोगा निकला फर्जी दरोगा। एटा पुलिस ने नकली और फर्जी दरोगा को अलीगढ़ से मैं वर्दी और फर्जी आई कार्ड के साथ गिरफ्तार कर लिया है। वहीं नकली दरोगा का एक साथी उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में डायल 112 पर तैनात बताया जा रहा है, जो इसका सहयोग करता था। पुलिस उसको भी तलाश कर रही है। इस फर्जी दरोगा ने जिले में चेकिंग के नाम पर 2 दर्जन से ज्यादा लूट की घटनाओं को अंजाम दिया है। चेकिंग के नाम पर तलाशी में जो भी नकदी जेवर मिलता था, ये नकली दरोगा सब सामान अपने कब्जे में कर थाने की कहकर फरार हो जाता था। पुलिस को इसकी काफी लंबे समय से तलाश थी, जो आज गिरफ्तार कर लिया गया है। आपको पूरा मामला बता दें कि एक फर्जी दरोगा विवेक यादव, जो कि अलीगढ़ के थाना गांधी पार्क क्षेत्र का रहने वाला बताया जा रहा है, इस नकली दरोगा ने एटा में चेकिंग और जांच के नाम पर पुलिसिया रौब दिखाकर लोगों की जेब से रुपए निकालकर लूट कर हड़कंप मचा दिया था। 15 दिन के भीतर लगभग 2 दर्जन से ज्यादा लूट की घटनाओं को अंजाम देकर फरार हो गया था। और ये इतना शातिर था कि कोई भी घटना CCTV कैमरे में न आए, इसलिए ज्यादातर घटनाएं देहात क्षेत्र में करता था। वहीं पिछले रविवार को एटा शहर के ननुमल चौराहे पर इसने अचानक आकर पुलिसकर्मियों के सामने बाइक चेकिंग करना शुरू कर दी और बाइक सवार से कागज मांगने लगा। कागज ना दिखाने पर दरोगा का रुतबा झाड़ते हुए गाली गलौज करते हुए बेल्ट उतार कर बाइक सवार को बेल्ट से पीटने लगा। तभी वहां पर मौजूद किसी व्यक्ति ने उसका वीडियो बना लिया और सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। पुलिस की इस वायरल वीडियो से जिले में पुलिस की छवि गिर गई थी। तत्काल एटा SSP उदय शंकर सिंह ने वायरल वीडियो का संज्ञान लेते हुए वर्दी पर दिख रहे विवेक यादव नाम के दरोगा की जांच कोतवाली सिटी इंस्पेक्टर देवकी नंदन मिश्रा को सौंप दी। तब ये जांच में पता चला कि पूरे जिले में विवेक यादव नाम का कोई दरोगा ही नहीं है। कोतवाली नगर पुलिस, क्राइम ब्रांच और स्वाट टीम सहित सर्विलांस टीम ने आरोपी फर्जी दरोगा विवेक यादव की तलाश करते हुए फर्जी नकली दरोगा को अलीगढ़ से गिरफ्तार कर लिया है, जिसकी उम्र 15.5 साल बताई जा रही है। वही अलीगढ़ रेंज के DIG दीपक कुमार ने बताया कि आरोपी का नाम विवेक यादव है, जो अलीगढ़ के गांधी पार्क थाना क्षेत्र का रहने वाला है। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में पता चला कि वो पुलिस का सब इंस्पेक्टर नहीं है। उसके द्वारा पुलिस विभाग और शासन की छवि को बदनाम करने के लिए कार्य किया गया है। वहीं इस फर्जी दरोगा विवेक यादव का साथी भी अलीगढ़ में ही तैनात एक दरोगा का हाथ है। आरोपी विवेक यादव को उसने पुलिस की वही वर्दी अलीगढ़ के रशदगंज के खुर्शीद टेलर से सिलवा कर दी थी। उसने विवेक यादव से पुलिस और शासन के तहत ये कृत्य करवाया गया। उस दरोगा को भी अरेस्ट किया जा रहा है। इसके पीछे जो भी लोग होंगे उनके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। वहीं DIG ने बताया कि आगे से पुलिस का PNO नंबर दिखाकर ही कोई भी पुलिस की वर्दी टेलर से सिलवा सकेगा। वहीं इस मामले में एटा सदर विधायक विपिन वर्मा डेविड ने बताया कि इसके पीछे एक साजिश है। इन्होंने संयंत्र के तहत हमारी सरकार और उत्तर प्रदेश पुलिस को बदनाम करने के लिए ये सब किया है, जिसका एटा पुलिस ने खुलासा किया, जो बहुत प्रशंसनीय है और सरकार को बदनाम करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। वहीं एटा SSP उदय शंकर सिंह ने बताया कि इस मामले में एटा पुलिस ने फर्जी दरोगा को गिरफ्तार कर लिया है। इसके रैकेट में शामिल अन्य लोगों के बारे में पता किया जा रहा है। जो भी इसमें शामिल होगा उसे छोड़ पकड़ा गया एटा जनपद में और कई उसने दर्जनों घटनाओं को अंजाम दिया था। क्या मामला है? कल मेरी विधानसभा के अंदर एक दुर्घटना घटित हुई जी, जिसके अंदर एक पुलिसकर्मी के रूप में बैंड से मारते हुए उसका वीडियो वायरल हुआ, जिससे हमारी पुलिस प्रशासन की छवि धुमिल हुई। पुलिस ने बहुत तेज़ी से एक्शन लेते हुए उसको ट्रेस करके उसको पकड़ा और वो फर्जी पुलिसकर्मी निकला। उसका नाम विवेक यादव है, अलीगढ़ का रहने वाला है जी। और जैसा मेरे संज्ञान में आया, ये एक तरीके का षड्यंत्र है उत्तर प्रदेश सरकार के खिलाफ, हमारी उत्तर प्रदेश पुलिस की छवि करने के प्रति। ऐसा लगता है कि ये कुछ लोग इस तरीके के जगह जगह छोड़े गए हैं जी, जो ये घटना घटित कर रहे हैं और वहाँ से हट जाते हैं। और ये मैं कहना चाहता हूँ कि हमारी जिस एटा पुलिस ने जिस तरीके से ये वर्कआउट किया है, बहुत शीघ्रता के साथ इसको पर्दाफाश किया है जी, ये एक
उनके धन्यवाद के पात्र हैं। कोई पुलिसकर्मी भी इसमें शामिल था इस गैंग में? मुझे ऐसा लगता है कि ये कुछ ना कुछ पुलिस महकमे के लोग भी इसमें कहीं ना कहीं इन्वॉल्व होंगे जी, ऐसा मुझे प्रतीत होता है। और राजनीतिक इसमें कहीं ना कहीं प्रेरणा भी होगी, किसी पार्टी विशेष के लिए काम करते हुए भी ये निकल के आएगा, ऐसा मेरा मानना है। क्या मानते हैं, पार्टी को बदनाम, भाजपा सरकार को? निश्चित तौर से उत्तर प्रदेश सरकार को बदनाम करने का ये प्रयास है और हमारी पुलिस फोर्स की छवि को खराब करने का ये प्रयास है। कल सोशल मीडिया में कोतवाली एटा शहर से संबंधित एक वीडियो काफी तेजी से वायरल हुआ, जिसमें कि एक पुलिस की वर्दी में एक व्यक्ति को दिखाया गया कि एक आम नागरिक को ट्रैफिक रोक करके और ट्रैफिक के कागज के देखने के उद्देश्य के साथ उसके साथ मारपीट की गई, जो कि बहुत ही जघन्य घटना थी और निंदनीय थी। तत्काल इसके बाद हम लोगों के द्वारा एक टीम गठित की गई और ये पता करने का प्रयास किया गया कि यह कौन सब इंस्पेक्टर था। तो पुलिस का वह सब इंस्पेक्टर नहीं था, वह छद्मवेश में एक विवेक यादव नाम का एक व्यक्ति जो कि अलीगढ़ के गांधी पार्क थाना क्षेत्र का रहने वाला था, वो पाया गया और विवेक यादव को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया और उससे हम लोगों की पूछताछ जारी है। और ऐसा प्रतीत होता है उसकी पूछताछ से कि पुलिस विभाग को और शासन को बदनाम करने के लिए यह कार्य किया गया है। उसकी गिरफ्तारी करके उससे हम लोग लगातार पूछताछ कर रहे हैं कि किसके कहने पर उसने यह कार्य, इस काम को अंजाम दिया। पूछताछ में अभी तक जो पता चला है कि खुर्शीद टेलर रसलगंज अलीगढ़ में उसके द्वारा वर्दी बनवाई गई, वर्दी सिलवाई गई और उसके बाद यह काम पिछले 15-20 दिनों से कर रहा था। इस संबंध में संपूर्ण विवेचना में और पूछताछ के बाद हमने जो चीज़ें आएंगी और जो जो लोग इसके पीछे साजिश में लगे होंगे उसका भी हम लोग जल्द खुलासा करेंगे और उनके भी खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे और कुछ ऐसी व्यवस्था करेंगे कि पुलिस का जो व्यक्ति हो जिसका PNO कार्ड हो उसी को वर्दी किसी भी टेलर में, कोई भी टेलर मास्टर उसी की वर्दी सिले, ना कि कोई भी आम आदमी कोई किसी प्रकार की कोई वर्दी सिला दे, इसको भी हम लोग सुनिश्चित करेंगे। विहित धाराओं में यह जो छद्मवेशधारी व्यक्ति जिसने की पुलिस विभाग को बदनाम करने की साजिश की, विवेक यादव, इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और उसके खिलाफ विधि सम्मत कार्रवाई की।